देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज क्षेत्र गांधीनगर में बीमार पत्नी को पति ने फोन पर दिया 3 तलाक। पीड़िता ने पुलिस से की शिकायत। शिकायत करने पर पति ने पत्नी को जान से मारने की दी धमकी। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी ब्रेकिंग न्यूज से शिवा वर्मा की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। मेरा सरजी नसरीन, गांधीनगर गुरसाहेबगंज। मामला ये है सर, मेरी दवा चल रही, मेरे 2-3 साल पहले 2 जुड़वा लड़कियां हुई थी, तो वो कुछ कमी आ गई तो इन्फेक्शन हो गया था, तो दवा चल रही थी इसी में हॉस्पिटल से। तो मैंने 22 तारीख को अपने पति से फ़ोन पे हमने कहा पैसे लगा दो, हम दवा लेने जाएंगे। तो उन्होंने असद और मेरे ससुर सास जिठानी सिखाते रहते कि इसके बच्चे नहीं होंगे, 3 साल हो गए दूसरा बच्चा हुआ नहीं, तो जितना पैसा दवा में लगाओगे उतने पैसे में तो दूसरी शादी कर लोगे, इसको तलाक दे दो। तो इसी वजह से उन्होंने फ़ोन पे हमसे कहा 3 बार तलाक 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 कह दी। तो हमने कहा हमें तलाक क्यों दे रहे, कहने लगे कि इतने मेरे माँ बाप और भाई भाभी सब कह रहे हैं कि इतने रुपये तेरी बीमारी में लगाएंगे, उतने में तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। शादी के सर 5 साल 4 महीने 3 महीने हो गए। 17/5/2022 को हुई थी मेरी शादी। पति चलाते सर, शराब भी पीते हैं। तो जब सर जी हमने कहा कि हम थाने में अप्लीकेशन देंगे, तो कहने लगे कि हम तुझे जान से मार देंगे, गोली से मारने की धमकी दी। जब हम थाने में गए सर तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, वो मोबाइल में मेरे रिकॉर्डिंग थी जो तलाक दी है। पति का नाम मोहम्मद अरशद। मैंने सर थाने में एप्लीकेशन दी तो मेरे सास ससुर ने और मेरी जिठानी क्या नाम उसका है मेजबीन ने, उन तीनों ने घर में घुस के हमको कल रात बहुत ही मारा और मार के हमारे हाथ से मोबाइल छीन लिया कि अब क्या सबूत दिखाएगी सरकार को। और मेरे ससुर मोहम्मद लियाकत, पुत्र मोहम्मद यासीन, उनके ऊपर सरकारी केस चल गया था, ट्रक का ट्रक खरीदा था तो वो सरकारी केस चल गया था उन पे, तो उन्होंने लिख के दिलवा दिया सर। रिकॉर्डिंग थी है भी, उन लोगों ने मेरा फ़ोन छीन लिया है। मैं उस फोन का नंबर 93-36-54-19-29 सबके पास मैं आई हूँ दरख्वास्त लेके एसपी साहब के पास भी सर जी। तो उन ससुर पे जो केस चल गया है सरकारी, तो उन्होंने लिख के दिलवा दिया।